बन जाए। पहले वाला बात नहीं चचा। अरे शक्ति भैया आप। अरे भैया प्रणाम शिकारी है। प्रणाम। क्या हाल चाल भैया, कहाँ अंकल दिखाओ कहीं नहीं देते हो, घर ही में रहते हो क्या सारा दिन? क्या सवारी कहाँ जा रही है, सब कुशल मंगल है ना? हाँ सब कुशल मंगल यार, बस ये समझ लियो हम अपना नया व्यापार शुरू करने वाले हैं, इसलिए जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो भैया, नया धंधा? और जो वो बलवा घाट वाला ठेकेदारी था सब भैया गए, कहा जाओ नया धंधा शुरू कर रहे हो? नहीं वो तो है ही, समझ लो ये बस अपना अपना खुद का नया व्यापार शुरू करने वाले। क्या बात कर रहे हो भैया, बहुते बहुते बढ़िया विचार बनाया भैया, भगवान कसम दिल प्रसन्न हो गया, एकदम सॉलिड आइडिया। पर कहे कि भैया तो बात कहना था कि अगर आप धंधा करे का सोचा ही लिए तो कनो ऐसा धंधा करिएगा, मतलब धंधा ऐसा करेगा जिससे ठाकुरन का इज्जत बढ़े, स्थान बढ़े, मतलब बिरादरी में नाक कटाने जैसा काम ना हो, मतलब बर्तन धोए वाला और जूठन धोए वाला कपड़े उठाए वाला काम ना। कहे कि भैया बस आप संभाल लो, कहे कि किसनवा तो ठेका ले लिया, कसम खा लिया कि ठाकुरन के नाम पर बट्टी पलित करके रहेगा, कालिक पोत करके रहेगा। सर इतना बड़ा परिवार का लड़का होके सड़क पर चिल्ला चिल्ला के भटूरा बेच रहा है, बताइए कौन गति बना दिया एकदम? यार राधे हम भी बहुत शर्मिंदा हैं ये बात पे, ससुरा अपनी बीबी के चक्कर में ऐसा अनराय गया कि जहां नचाए रही है जैसे नचाए रही है नाच रहा है, इसक में नाच रहा का करे? घर छोड़िए भैया, ये बताइए कि कौन नया धंधा शुरू करने जा रहे हैं आप? धंधा अंधा का करेंगे ये सब बाद में सोचेंगे, फिलहाल बात ये है कि भाऊजी हमको दिए हैं 20,000 रुपया और शर्त रखे हैं। शर्त? हाँ शर्त रखे हैं कि अगर हम 20,000 का दुगना करके उनको दे दिए तो हम अपने व्यापार के लिए जितना हमको अपना पैसा चाहिए ना वो हमको देंगे, बस यही लिए ये पैसा ब्याज पर चढ़ाने के लिए जा रहे थे, क्योंकि तुम तो जानते हो बिना मेहनत के ये पैसा इतना जल्दी तो दुगना होएगा नहीं। अरे शक्ति भैया ऐसे तो आपका पैसा दुगना करने में साल भर लग जाएगा, तो क्या जब बुढ़ा जाइबो तब बिजनेस करबो? नहीं नहीं यार हम इतना इंतजार तो नहीं कर सकते, हम तो बस ये चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके जैसे भी हो सके ये पैसा दुगना हो जाए। तुम्हारे पास कौन इलाज है तो बताओ। क्या बात करते भैया, चाचा चाय रखो बाद में पियेंगे, काहे घबरा रहे हो भैया? अरे आपका राधे अभी जिंदा है, रातों रात पैसा दुगना करवाए देंगे। चलो अच्छा एकदम अम्मा कसम, अम्मा कसम भैया चल लो, हम बता रहे एक मस्त तरकीब है, चलिए। अच्छा चलिए चलो तो फिर चल रहे हैं। ए टुन्ना चंदुआ यहाँ आओ। वो भैया इतने देर का लगा दिए? अरे यार क्या बताएं। अरे कहा भैया तामझाम का टांग लाए? अरे बेटा सब बताएंगे तुम का यार, सब बताएंगे, पहले तो सबर रखो और सामान उतारो, चलो हाँ ले लो। बहुत भारी है, का भरला इसमें? ऐसा है हमका आने में इसलिए देर हो गई, आज जो है हम यार ढाबे पे जो ग्राहक है ना उसके लिए कोनो नई चीज लेके आए। नई चीज? अरे भैया विस्तार पूर्वक बताइए, हमें समझ नहीं आ रहा कहाँ नई चीज। ऐसा हम यहाँ पे ना ढाबे पे जो है भाटी चोखा बेचने के लिए लेके आए हैं, आज यहाँ ग्राहकों को जो है स्पेशल भाटी चोखा मिलेगा, समझ गए? होएगी बकैती, अब ऐसे चलो काम पे लगो। हटो भी खा लेंगे। अब ऐसा है एक बड़ा सा जो है बर्तन लो और उमा ये सब खाली कर दो, ठीक है? और सुनो टुंडवा तुम क्या करो, वो धनिया और टमाटर लेके ना एक अच्छे से एकदम बहुत बढ़िया से सजाए दो, हो गया? चलो आओ चलो काम शुरू करते हैं। अरे टुंडवा ये लेके आओ साथ में इसको। हाँ हाँ ले आओ। ऐसा है सब ग्राहक लोग हमारी बात जो है ध्यान से सुन लो, आज हमरे ही बाबा के ढाबा पे जो है एक स्पेशल आइटम, हाँ बाटी चोखा का। अरे जोनों का मन करे बाटी चोखा का वो बाटी चोखा खा सकता है, बोलो। नहीं नहीं आज तो हम सिर्फ छोले भटूरे ही खाने आए हैं, हमें वही खिला दीजिए, आपके स्पेशल वाले बाटी चोखा हम फिर कभी चख लेंगे। ठीक है मतलब जैसी तुम्हारी मर्जी भाई, कोनो बात नहीं। तुम एक काम करो कि जो बोर्ड है ये जो बाटी चोखा लिखा और इसका दाम लिखा ना तो ये जाए के बाहर लगाओ, अब ये बाहर लगाओगे कोनो ग्राहक व्राहक जो है बाहर गुजरेंगे पड़ेंगे तभी तो अंदर आएंगे। ठीक है क्या समझे, जाओ जाओ जल्दी करो लगाओ, बहुत बढ़िया है वैसे बाटी चोखा बताया रहे साहब साहब। आई सकते भैया? ए यार रदवा ये यहाँ कहाँ लेकर आया यार?
भाऊजी को पता चल गया अबे लतिया आएंगे यार, ये बिया यहाँ यहाँ नहीं चल। अरे अरे सुनिए भैया, महादेव कसम खाकर कह रहे हैं यही वो जगह है जहाँ पर आप 20 का 40 बना सकते हैं, वो भी बहुत है कम समय में आसानी से, समझो। अरे पलक झपकेगा नहीं के रंक से राजा हो जाइबो, समझो। यार बात तो तू सही कह रहा है लेकिन समझ नहीं रहा यार तू बाप। अरे भैया आप ज्यादा सोचो नहीं, चलो हमारे साथ आ जाइयो। बेटा हटो यहाँ से, चलो 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 हटो हटो हटो, हमारे भैया है बे, बैठो। चलो तुम दूसरा कुर्सी पकड़ो, बैठिए भैया। और अब देखिए अपने राधे का कमाल। चलो बाबू एक ठो दाव लगा, जो थोड़ा पैसा वैसा कमा लिया जाए, तुम जेब सुना सुना खाली होगा बाबे। चलो शुरू कर, दाव लगाओ भैया। आया आज हमारे यहाँ आ सकते भैया। हाँ चलो बाबू, इलो सगुन शुरू करो। चलिए भैया चाल चलिए, चाल चलिए। अब राधे सिंह नाम है हमारा, समझो राधे सिंह। हम चाल नहीं चलते हैं, ब्लाइंड खेलते हैं। कह सकते भैया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। हम ठाकुर लोग हैं, ठाकुर लोग शांत से जीते हैं, शांत रहते हैं और शांत से खेलते हैं, समझो। चलो बाबू शुरू करो। ई लो हमारा ब्लाइंड। वाह भैया हमारी भी ब्लाइंड भैया। आई शाबाश, तो पूरा जोश में। ई लो बाबू, चलो अब शो करो। आई शाबाश बेटा, तुम तो गए। अबे जीत गया बे। जीत गया भैया, एकदम जीत गए। राधे सिंह यहाँ कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं। चलो बड़ा एक ठोर दाव लगाओ। हेलो जीत गए बे, जीत गए। अबे ये इतना सारा जीत गया? दोबारा जीत गए भैया, जीत गए। शाबाश बेटा राधे, तुम तो जीत रहे हो। अरे भैया ऐसे देखने तो पैसा नहीं दुगना हो जाएगा, खेलना पड़ेगा। सोचिए नहीं खेलिए। हाँ तो उमे का लो भी रही हमरी दाव, लेकिन 21,000 की लगाएंगे बस, इससे ज्यादा नहीं लगाएंगे। लो भैया चलो बांटो। तेरी देख 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 जीत गए बे। अरे कहा भैया? अबे हम जीत गए। पहली बाजी में जीत गए एकदम। भैया भैया हिट चल रहा है, एकदम लगे रहो, कंटाप लग रहा, टेंशन नहीं लो, खेलते रहो भैया। हाँ हम तो कहा कि काम भर जमा कह लिए हैं, अब आप डबल के जाओ। हाँ तो रही हमारी 5,000 की चाल। भैया एकदम रंग में हो, भगवान खत्म। भैया की किस्मत बड़ी जोरदार है। तो साला एक ही बार में सारा काम हो जाएगा यार। वैसे राधे एक चीज बताए थे तुम हमको ना, एकदम एकदम सही जगह पर लेकर आए हो यार। हम तो सोचे नहीं थे कि इतना जल्दी पैसा दुगना हो ही जाएगा। ये हमरी एक 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 और चाल। चलो आप बाटो बाटो। चलो भैया तो करो। अच्छा ये इलिया। वैसे कुछ चीज बता रहा थे तुम ना हमको एकदम सही जगह पर लेकर आए हो यार, बहुत बहुत बड़ा एहसान किए हो। साला भाई हो तो तुमरे जैसा हो। प्रतिज्ञा बन जाए।